डिक्टेशन करती 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, हालांकि आज महिलाएं अपार इच्छा शक्ति लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही हैं, साथ ही चाहती हैं कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सकें। इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएं भी हैं जो मात्र औरत होने की वजह से अभिशप्त हैं। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है, तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी आवश्यकता। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न भिन्न रहा है। उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं। सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं है, बल्कि सर्वसंपन्न गृह स्वामिनी भी हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है। वे अपरिचितों से बातें कर सकती हैं, सभाओं में बोल सकती हैं, निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। अब वे बंदी नहीं हैं। स्वच्छंद विचरण करने वाली आज़ाद भारत की आज़ाद नारी हैं। वे मनुष्य की सहकर्मी हैं, समान धर्मी हैं। वे पति की सलाहकार भी हैं और परिवार की शुभचिंतक भी। आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती हैं और शादी ब्याह में भी जा सकती हैं। उद्यमी बन सकती हैं, विदेश घूम सकती हैं। विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं। उन्हें मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालती हैं। क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा? वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्या नहीं है, ना ही उनका कोई शोषण हो रहा है, बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में घुमड़ते तूफान के आने का द्योतक है। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है। सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज़्यादा काम करने के बाद भी 15-20 रुपए
से ज़्यादा नहीं मिल पाते स्टॉप।